अच्छा दोस्तों, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसकी वजाहत मैं इस वीडियो से करूँगा, ठीक है। ये मेरा तीरा, ये बैग कटी हुई है, ये राउंड में है, ठीक है। यहाँ से कम ये 2 सूत्र का, 3 सूत्र का मेरे पास ये राउंड है मेरा। लेकिन ये चीज़ जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ठीक है। ये तीरा 5.25 इंच का है चौड़ाई में, और यहाँ से मैंने 2 सूत्र जो है ना शेप मैंने इस तरह दी है, इस तरह, ठीक है। ये शेप मैंने यूँ कटी हुई है, ये देखिए, ठीक है ना। जैसे राउंड ये है ना, नीचे को राउंड है ये वाला, लेकिन ये चीज़ ये बन रही है, देखिए बिल्कुल इसी तरह। ये मैंने ऊपर वाली शेप है ना, 2 सूत्र मैंने यहाँ से उड़ा के ना इसको जाके यहाँ मिलाया है, ठीक है। तो इसकी शेप बनेगी ये कुछ यूँ बनेगी। यहाँ से मैंने 2 सूत्र इधर से राउंड में ला के यहाँ मिला दिया, तो ये देखें कि ये आपस में यूँ बैठेगी, ये देखिए, ठीक हो गया। जैसी शेप वे ये है वैसी इसकी शेप ये है। इससे क्या होगा कि यो अगर ये अगर हम ना स्ट्रेट काटते हैं तीरा, तो यहाँ पे जब आप तीरे को लगा के इसके ऊपर इसी लगाते हैं, तो यहाँ पे एक आता है खम सा आता है, तो इसमें ये खम नहीं आता, ठीक है। और ये जो चीज़ होती है ये कम हो जाती है यहाँ से, तो इस वजह से जो कपड़ा आपका है वो आपके बैन के ऊपर या कॉलर के ऊपर नहीं चढ़ता, ठीक है। उम्मीद है आपको इस मेरी चीज़ की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आप एक बार इसको ट्राई करें, कुछ नहीं होगा इसको सूट को। जिस सूट आप जैसा काटते हैं, कोई 1.25 इंच उतारा बैक रखता है फ्रंट से छोटी, कोई 1 इंच रखता है, जैसे मर्जी कटिंग करें, लेकिन ये चीज़ लाजमी अप्लाई करें। ये चीज़ यहाँ से 2 सूत्र 3 सूत्र इसको शेप देकर तीरे को यहाँ पर आके मिला दें गुलाई में, इंशाल्लाह फिर रिज़ल्ट देखें आप हैरान रह जाएंगे। ये सर देखिए तीरा लगा दिया मैंने वैसे, ठीक है। ये इसकी बैटरी देखिए आप तीरे की, कोई इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, कोई मसला मसायल नहीं है, जस्ट नाखून फेर के मैंने इसको बैठा दिया है, ठीक है। है कॉटन ये, और इसकी बैटरी देखिए आप, ठीक हो गया। और इसका मकसद क्या है कि ये जो है ना एरिया, ये जो चढ़ता है ऊपर, इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इस चीज़ को कंट्रोल करना है,